हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये हमारा कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो नंबर 4। और इससे पहले हम लोगों ने जो 3 वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोग बात की है कि आखिर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास किया जाता है, और 2 वीडियोस हम लोग देखे थे बेसिक अकाउंटिंग थ्योरीज के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम की, यानी कि अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज होता है। प्रीमियम कहने का मतलब होता है जब आपको पता है कि किसी भी शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू होता है, मतलब कि हर शेयर का एक प्राइस होता है। से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, तो 10 रुपए का एक शेयर कंपनी चाहे तो उसको 10 रुपए में बेच सकती है, और कंपनी उसको चाहे तो 15 रुपए में भी बेच सकती है। तो अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच रहा है तो हम कहेंगे शेयर इशूड एट पार। मगर 10 रुपए का शेयर अगर 15 रुपए में बेच रही है कंपनी, यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है उसको कहेंगे प्रीमियम। क्या बोलेंगे? प्रीमियम पे शेयर बेच रही है, यानी कि जब आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, और उस पूरे सिचुएशन को बोल देंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो कभी भी आपको कोई बोल दे कि शेयर हैज बीन इशूड एट प्रीमियम, इसका मतलब समझ जाना कि नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू किया गया, और इसी का जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं हम लोग ये देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए टॉपिक आपको दे रहा है शेयर इशूड एट ए प्रीमियम, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिखते चले जाएंगे। जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल, आपको पता है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतने का शेयर बेच सकती है। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूं, तो जब मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो उस समय अपने कंपनी का हमको ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि भाई हम अपने कंपनी का कितने का शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि जितने का रजिस्टर्ड है उतने का ही इशू करे, उससे कम भी हो सकता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल आपका कितना है, 60 लाख रुपीस। और इस 60 लाख को ये क्या किया है, डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी क्या किया, 60,000 शेयर, और हर शेयर का दाम रखा है 100 रुपया। पिछले क्वेश्चन में 10 रुपया था, इस क्वेश्चन में 100 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखते हैं भाई, ये तो रजिस्टर्ड है, देखते हैं कंपनी इशू कितना किया। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। देखिए इस लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा, अभी नया नया आपके लिए है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर ऐसा कुछ खास बात नहीं है। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर, कंपनी इस 60,000 में से, इस 60,000 में से मात्र कितना इशू कर रहा है, 25,000। जितना पैसे का जरूरत रहेगा उतना ही शेयर बेचेगा ना, ठीक है। चलिए 60,000 शेयर में से 25,000 बेच रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। 20% प्रीमियम कहने का मतलब 100 रुपए का जो शेयर है वो एक्चुअली में 100 में नहीं 120 में बेच रहा, ठीक है। तो 25,000 शेयर है, 100 रुपए का शेयर प्लस 20 रुपया प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 120 रुपया। अच्छा देखते हैं कब कब कितना पैसा मांग रहा है। पेबल एज फॉलोस, 30 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 45 रुपया ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए चार बार में पैसा मांग रहा है कंपनी। पहले मांग रहा है, सबसे पहला पैसा मांग रहा है 30 रुपया एप्लीकेशन का, दूसरा केस में अलॉटमेंट का कितना मांग रहा है, 45 रुपया, जिसमें कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम कहने का मतलब सर इसमें 20 रुपया वो जो प्रीमियम एक्स्ट्रा वाला है ना वो जुड़ा हुआ है, तो अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो आपका फेस वैल्यू एक्चुअली में कितना है, 25 रुपया।
अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, 45 रुपया जो अलॉटमेंट के केस में मांग रहा है इसको हम ब्रेक किए, 45 रुपीज को में 20 रुपीज तो प्रीमियम का पैसा है, तो भाई बाकी का जो 25 रुपया है वो क्या है, वो फेस वैल्यू, मतलब शेयर का प्राइस आपका है 100 रुपया और 20 रुपया प्रीमियम, तो 25 रुपया अलग है इस 45 में, चूंकि प्रीमियम इसी में बोल दिया तो 25 अलग है 20 अलग है। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट कॉल में कितना है 20 रुपया और सेकेंड कॉल में कितना है 25 रुपया, चलिए ठीक है 20 रुपया और फिर 25 रुपया इस तरीके से लिख देंगे तो ये एक शॉर्टकट हो गया। और आपको पता है ये क्या है, सर ये है एप्लीकेशन का पैसा है ना, फिर सेकेंड में जो मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं, और ये है फर्स्ट कॉल, और चूंकि सेकेंड कॉल भी मांगा गया है और इसके बाद कुछ नहीं है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सर अब ये बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ, देखो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपया और प्रीमियम कितना है 20 रुपया, देखिए कैसे हुआ, 30 रुपया ये 25 30 20 25 20 और 25, ये चारों जो ग्रीन लाइट हाईलाइटर से हाईलाइट किए, देखिए 100 हो जाएगा 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 100 रुपया, और ये जो ब्लू हाईलाइटर से हम लिख रहे हैं ये क्या है एक्चुअली में प्रीमियम का पैसा, तो प्रीमियम, तो इस तरीके से पैसा मांगा है। सर इस क्वेश्चन में बोल दिया है ना, बता दे रहे हर्षिता एकदम निश्चिंत रहिए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में बोल दिया है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा छिपा हुआ है, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा छिपा हुआ है। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में बोल देता है कि देखिए 10 रुपया अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा, 10 रुपया अलॉटमेंट में 5 रुपया फर्स्ट कॉल में और 5 रुपया फाइनल कॉल में मंगा रहे, कंपनी जो 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है वो 3 बार में मांग रही है, मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला, कंपनी डायरेक्ट बोल दिया है अलॉटमेंट का 45 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम कहने का मतलब कि 45 रुपये में 25 रुपया नहीं, वो क्वेश्चन बोल दिया विकास, सारी बात बता रहे हैं आप ध्यान से सुनो ना, अलॉटमेंट में ये आपको क्वेश्चन बोल दिया कि भाई 25 रुपया का फेस वैल्यू है और 20 रुपया का प्रीमियम है तो टोटल कितना हो गया 45 रुपया, मगर कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि नहीं 10 रुपया अलॉटमेंट में 5 रुपया फर्स्ट कॉल में 5 रुपया फर्स्ट सेकेंड कॉल में, कभी कभी अलग हो सकता है, कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि 5 रुपया एप्लीकेशन में 5 रुपया अलॉटमेंट में 5 रुपया फर्स्ट कॉल 5 रुपया फाइनल कॉल, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या है ना कि क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं है, बस क्वेश्चन बोल देता है कि 10 रुपया का प्रीमियम है, यानी कि मान लीजिए 20 रुपया का प्रीमियम है और प्रीमियम का पैसा कहां मंगा रहे हैं पता नहीं, तो अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो हम ये मानते हैं कि वो किस केस में मांगा जाता है, अलॉटमेंट के केस में, मतलब अगर ये क्वेश्चन साइलेंट रहता, मतलब आपको बस बोल दिया है कि 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में बेचा जा रहा है 20 रुपया प्रीमियम पे, तो उस केस में क्या होगा आपका, हम ये मानेंगे और आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया 30 रुपया एप्लीकेशन में 45 रुपया अलॉटमेंट में और 20 रुपया फर्स्ट कॉल और 25 रुपया फाइनल कॉल, मगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ छिपा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन में फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें प्रीमियम का पैसा के बारे में बोल दिया कि अलॉटमेंट में, अगर नहीं भी बोलता तो भी हम लोग यही मानते कि वो अलॉटमेंट में ही छिपा हुआ है, और अलॉटमेंट में अगर छिपा हुआ है तो 25 रुपया फेस वैल्यू और 20 रुपया प्रीमियम, टोटल कितना हो गया 45 रुपया, क्लियर है। अब चलिए आपका डाउट ले लेते हैं, सर ऐड करके पता चल जाएगा, हाँ ऐड करके पता चल जाएगा, सर एक बार फिर से बता दीजिए, चलो ठीक है बता देते हैं, एकदम निश्चिंत रहो, देखिए सिंपल सा फंडा है क्या हम बता रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके समझो, एकदम इजी है, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आ गया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आप समझो पहले, जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख, कंपनी 60 लाख रुपए का शेयर इश्यू कर सकता है, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 60,000 को कैसे ब्रेक किया है, तो 60,000 इक्विटी शेयर और 100 रुपए ईच का, तो 60,000 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 लाख ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जरूरी नहीं कि 60,000 इक्विटी शेयर है तो 60,000 ही बिके, देखते हैं कितना बिका। ठीक है, तो कह रहा है कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया, कितना शेयर इश्यू किया, 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 100 रुपए का शेयर अब 20 रुपया ज्यादा ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लो, सब गायब हो गया, चलिए इसको थोड़ा फिल कर देते हैं। ये है 25 प्लस 20 20 एंड ये 25। ठीक है, चल अब देखते हैं कि किस में कितना पैसा मांग रहा है। पेबल एज फॉलोस, 30 रुपया ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है, 30 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, 30 रुपया लिख दिए। 45 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 45 रुपया कहां मांग रहा है, अलॉटमेंट में, तो 45 रुपया जो है वो अलॉटमेंट के केस में मांग रहा है, 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बोल भी दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम उसमें छिपा हुआ है, यानी कि 45 रुपए में प्रीमियम छिपा हुआ है, तो 45 में अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रुपया। फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू का मतलब शेयर का पैसा कितना है। फिर फर्स्ट कॉल में 20 रुपया और सेकेंड कॉल में 25 रुपया, हो गया, फर्स्ट कॉल में 20 और सेकेंड कॉल में 25, क्लियर है, आई होप कि अब क्लियर होगा। नहीं लवली, ऐसा कुछ नहीं, लवली कह रही है सर अलॉटमेंट में ही प्रीमियम क्यों और बाकी में क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, कंपनी जब चाहे तब मंगवा सकती है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कंपनी को जब जरूरत पड़ेगा तब मंगाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन में मंगाए, चाहे फर्स्ट कॉल में मंगाए, चाहे अलॉटमेंट में मंगाए, क्वेश्चन आपको बता देगा, आपको इसके ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगा, है ना। चलिए अभी यहां पर आप देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल 60,000 है, जिसमें 60,000 शेयर है और हर शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया, हर शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई भी ट्रीटमेंट आपके जर्नल एंट्री में नहीं होगा, इसका पोस्टिंग होता है बैलेंस शीट में। तो जब हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे उस समय हम पता चल जाएगा हमको कि हम कैसे ऑथराइज्ड कैपिटल का पोस्टिंग करते हैं। फिलहाल हर वो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल का किसी भी तरीके का यूज नहीं होगा। मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने की बात हो रही है तो वहां पर हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल का एंट्री नहीं करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ बैलेंस शीट में पोस्टिंग होता और कहीं नहीं। फिलहाल बैलेंस शीट नहीं सीख रहे हैं इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर 25,000 शेयर बेच रहा है कंपनी, कंपनी का 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए एप्लीकेशन, 45 रुपए अलॉटमेंट, 20 रुपए फर्स्ट कॉल और 25 रुपए फाइनल कॉल, और 45 रुपए जो अलॉटमेंट का रेट है उसमें हमारा प्रीमियम का पैसा भी छिपा हुआ है। ठीक है, चल तो चलिए ये हमारे सामने एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद होगा। आपको जैसा कि पता है कि जर्नल एंट्री में यहाँ पर डेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो चूंकि डेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे सीरियल नंबर देते चले जाएंगे, सीरियल नंबर हम लोग देते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको याद दिलाए थे, हम बताए थे कि एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ना इक्विटी शेयर लिख देता है। देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन में आप देखिए जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर लिख रहा है ना। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, सॉरी इक्विटी शेयर लिख रहा है। देखिए यहां पर लिख रहा है ना इक्विटी शेयर, तो अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इक्विटी शेयर वर्ड यूज कर रहा है तो हम लोग सिर्फ शेयर नहीं लिखेंगे,
हम लोग इक्विटी शेयर लिखेंगे। तो किसी क्वेश्चन में देखोगे सिर्फ शेयर लिखेगा, देखिए जैसे यहां पर देखिए इक्विटी शेयर लिख रहा है ना, इक्विटी शेयर लिख रहा है। तो अगर इक्विटी शेयर लिख रहा है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे इक्विटी शेयर, अगर सिर्फ शेयर लिख रहा है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे शेयर। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे कि इक्विटी शेयर लिखता है, तो हम लोग थोड़ा सा इरेज करके कुछ नहीं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आया है ना, हाँ सर एप्लीकेशन अकाउंट, बस थोड़ा सा वर्ड बड़ा हो गया और कुछ नहीं। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 25,000 शेयर है और हर एप्लीकेशन का रेट कितना है, 30 रुपया। तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, 25 × 75 और 1 2 3 4 0 है ना, तो 7,50,000 रुपया, 7,50,000 रुपया। और लिखेंगे नरेशन में बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये आपका पहला जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड पास क्या करेंगे, सेकेंड हम लोग करेंगे ट्रांसफर करेंगे इसको। तो ट्रांसफर का एंट्री आपको याद है, जो क्रेडिट में लिखे हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट में कर देते हैं। तो हम इक्विटी अभी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, और क्या लिखते हैं इक्विटी, चूंकि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता तो लिखते हैं शेयर कैपिटल, चूंकि मगर यहां पे इक्विटी है तो हम लोग इक्विटी जोड़ देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और वैल्यू कितना हो जाएगा, वही 7,50,000 एंड 7,50,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। इतना तक तो आप कल जैसे किए थे वैसे ही हैं, मगर कल के क्वेश्चन में, पिछले वीडियो के क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा नहीं था, मगर यहां पे प्रीमियम का पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है पहले आप ड्यू करते हो, पहले क्या करते हैं एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, मगर अलॉटमेंट के केस में क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और उसके बाद पेमेंट आएगा, है ना। तो चलिए, आपको पता है अलॉटमेंट का रेट कितना है, अलॉटमेंट का रेट है 45 रुपीज। तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 25,000 शेयर है और हर शेयर का दाम 45 रुपया है अलॉटमेंट का रेट टू। अब इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये बाबू कि आपको पता है इस 45 रुपए में 20 रुपया जो है वो प्रीमियम का है और 25 रुपया जो है वो फेस वैल्यू है, 25 रुपया जो है वो फेस वैल्यू है कि नहीं, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम का जो पैसा है 20 रुपया वो चला जाएगा सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। देखिए सिंपल सा फंडा है, ये लॉजिक है यहाँ पे कि जितना भी पैसा कंपनी एक्स्ट्रा मांग रही है शेयर का उसको हम लोग रिजर्व में डालेंगे, कहाँ डालेंगे रिजर्व में। सर उस रिजर्व का क्या नाम होगा, उस रिजर्व का नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सर इस पैसे को यूज कहां करेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कहां यूज करेंगे, मगर फिलहाल अभी इतना जान लो, अभी थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, है ना। हाँ हमेशा एंट्री यही होगा, हमेशा हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा को क्या करेंगे, प्रीमियम का जो भी पैसा है उसको रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और रिजर्व में कहां जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, इस 45 रुपए में कुछ पैसा इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा और कुछ पैसा सिक्योरिटीज, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, इसको शॉर्ट में SPR भी लिख देते हैं। तो 25,000 इंटू
अभी क्या कर रहे हैं, इसको अमाउंट को ब्रेक करके लिख रहे हैं। एक बार ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25,000 शेयर है और इक्विटी का फेस वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू कितना है 25 और रिजर्व में कितना जाएगा 20 रुपया, तो 25,000 शेयर और हर शेयर पे 20 रुपया लिए, बस ब्रेक करके लिख दिए। तो फाइनली अमाउंट कितना होगा, 25,000 इंटू 45 करेंगे तो 9 लाख रुपीज, नहीं शायद, देख लेते एक बार, 25,000 इंटू 45 रुपया 11,25,000 रुपया कितना हो जाएगा, 11,25,000 रुपया, तो 11,25,000। अच्छा, इसको जब ब्रेक किए तो 25,000 इंटू 25 हो रहा है, तो 25,000 इंटू 25 तो यहां पर लिखेंगे 6,25,000 एंड यहां पर लिखेंगे 25,000 इंटू 20 तो फाइनली आएगा 5 लाख रुपीज, है ना। इसका नरेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बीइंग अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी हम लोग क्या कर दिए, ड्यू कर दिए, ठीक है। देखिए एक्चुअली थर्ड एंट्री आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पता है कि हम लोग ये जो अलॉटमेंट का पैसा है 45 रुपीज, इसमें हमारा प्रीमियम का पैसा भी छिपा हुआ है और हमारा फेस वैल्यू भी छिपा हुआ है। तो अब हमने करना क्या है, इस दोनों पैसे को अलग अलग ब्रेक करके लिखना है। 45 रुपीज का अलॉटमेंट के रेट में 20 रुपीज प्रीमियम है एंड 25 रुपीज आपका क्या है, फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू का पैसा कहां जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर होता है, और प्रीमियम फेस वैल्यू का पैसा कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और प्रीमियम का पैसा कहां जाता है, रिजर्व में जाता है, जिसका हम लोग जिसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, यस सर। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपीआर भी बोलते हैं, तो चलो एसपीआर ही वर्ड यूज करेंगे, काफी लंबा हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको पता है 45 में 20 रुपीज जो है वो फेस प्रीमियम का पैसा है, तो चूंकि 20 रुपीज प्रीमियम का पैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 25,000 शेयर और हर शेयर पे फेस वैल्यू 25 रुपया और 25,000 शेयर और हर शेयर पे 20 रुपया का प्रीमियम, तो प्रीमियम टोटल कितना हो जाएगा, प्रीमियम टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख रुपया, ठीक है। और सिक्योरिटी अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए, 6,15,000 रुपया। बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करके लिखे हैं। देखिए क्या किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम अलॉटमेंट के नाम पे 25,000 और अलॉटमेंट का रेट कितना है, तो अलॉटमेंट में हम लोग अलॉटमेंट का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपया, 25,000 शेयर और 45 रुपया का रेट है, तो 11,25,000 रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर वैल्यू में हम लोग हमेशा फेस वैल्यू अच्छा उधर हम लोग कैलकुलेट गलत कर लिए है ना, चलो कोई नहीं, इधर कैलकुलेशन गलत हो गया, ये 6,25,000 रुपया होगा एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है और फेस वैल्यू कितना है 25 रुपया, फेस वैल्यू कितना है 25 रुपया, तो वो हम लोग लिख दिए है ना। उसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो एक्स्ट्रा है 20 रुपया, उसके लिए क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 25,000 इंटू 20 तो फाइनली ब्रेक करके लिख दें, एकदम आसान है। आप निश्चिंत रहिए, एक दो क्वेश्चन और बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अब क्या है, अपन लोग अलॉटमेंट ड्यू कर लिए, अब अपन अपने लोगों को क्या चाहिए, अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, तो अलॉटमेंट का पैसा चाहिए और यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं है। एक्चुअली में बात क्या है, बहुत अच्छी बात क्या है कि कोई डिफॉल्टर नहीं है, जिससे जितना पैसा मांगे उतना पैसा मिलते चला गया। तो पैसा आएगा कितना, बैंक अकाउंट डीआर,
पूरा पैसा आया है ना, तो 25,000 शेयर है और हर शेयर पे अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 45 रुपया। तो 11,25,000 रुपया आपको मिल जाएगा। किसके नाम पे मिलेगा? शेयर अलॉटमेंट। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। 11,25,000 रुपया। तो देखो ब्रेक करने का काम कहां होगा? ड्यू में। ब्रेक करने का काम कहां करते हैं? ड्यू में। पेमेंट जो आएगा एक बार में अलॉटमेंट के नाम पे टोटल 11,25,000 रुपया आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी मनी रिसीव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। अब देखो अब कोई पंगा नहीं है, अब अपन लोगों का सारा क्लियर है। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल आएगा, तो फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। सर इतना बड़ा, हाँ क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा आपको। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इसमें भी प्रीमियम का पैसा रहता, अगर इसमें भी प्रीमियम का पैसा रहता, तो हम लोग जितना भी प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखते। मगर आपको पता है कि यहां पर किसी भी तरीके का प्रीमियम का पैसा नहीं है, तो वो लिखने का दरकार नहीं है। तो आपका वैल्यू कितना है? तो सर 25,000 शेयर है और हर शेयर पे 20 रुपया चाहिए फर्स्ट कॉल का, तो आपका कितना हो जाता है? 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख इधर और 5 लाख इधर, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मन फर्स्ट कॉल ड्यू लिख दीजिए, इतना काफी है। ड्यू कर लिए, फिर उसके बाद पैसा आ जाएगा। अब पैसा में कोई डिफॉल्टर है नहीं एक्चुअली में, तो डिफॉल्टर नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डीआर टू किसका नाम पे पैसा आ रहा है? फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा आ रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर आप जैसे इक्विटी शेयर के बदले ईएस लिख देते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं? एग्जैक्टली एकदम नहीं, ठीक है, कभी भी ऐसा आप नहीं करेंगे। आप जब भी यूज करेंगे पूरा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एग्जाम में नहीं तो आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट सेवन में क्या होगा? आपका ड्यू करेंगे, किसको ड्यू करेंगे? लास्ट वाले को। लास्ट कौन था? सेकंड एंड फाइनल। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिख दो, या फिर हाँ चलो फाइनल ही लिख दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर सेकंड क्यों नहीं लिखे, फाइनल क्यों लिखे? कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट है तो लास्ट वाले को फाइनल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद पैसा कंपनी नहीं मांगेगा, तो इसलिए बोल देगा भाई फाइनल है, अब पैसा मांगने वाले हम लोग नहीं है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो अमाउंट हो जाएगा सर 25,000 शेयर है और हर शेयर पे 25 रुपया चाहिए, इजंट इट, है ना, हाँ कि ना? हाँ सर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,25,000 रुपया, और इधर भी हो जाएगा 6,25,000 रुपया। ये ड्यू किए, ड्यू कर दिए, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू हो गया, एंड लास्ट में आपको पैसा आ जाएगा। पैसा कितना आएगा? पूरा का पूरा, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,25,000 एंड 6,25,000 रुपए। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये आपका फाइनल एंट्री। आई होप कि आपको क्लियर होगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस चर्चा करेंगे जिसके कारण आपको और कॉन्फिडेंस आ सके।
Till then, thank you so much. Bye bye. Take care.